So guys, let's discuss this question. Question is, high rate of inflation in the domestic economy causes deficit of balance of payment. High rate of inflation in the domestic economy, inflation होने की वजह से balance of payment में deficit होगा या नहीं, ये देखते हैं. अब इस बिल्कुल आराम से समझेंगे flow chart के थ्रू, ठीक है, ध्यान से. एंड फिर देखेंगे कि ट्रू है या फॉल्स, तुम खुद ही बता दोगे. इन्फ्लेशन हो गया है इंक्रीज. इन्फ्लेशन इंक्रीज का मतलब पता है क्या है, कि हमारी मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं, इन्फ्लेशन इंक्रीज होने का मतलब कि महंगाई इंक्रीज हो गई है. महंगाई का मतलब क्या है, कि जितने भी मार्केट में हमारे डोमेस्टिक मार्केट में प्रोडक्ट है, क्योंकि इन्फ्लेशन कहाँ पे इंक्रीज हुआ है, डोमेस्टिक इकोनॉमी में. तो जितने भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, वो हो गए हैं इंक्रीज. इन्फ्लेशन की वजह से डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इंक्रीज नहीं हुए हैं, सॉरी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस हैं वो इंक्रीज हो गए हैं. तो जब मेरी बात समझो, मेरी डोमेस्टिक कंट्री से मैं सामान कब खरीदूंगा, जब मुझे सामान सस्ता मिलेगा. जो सामान सस्ता मिल रहा है तो मैं अपने देश से आराम से सामान खरीदता रहूंगा. बट मेरे देश के अंदर क्या हो गया है, सामान हो गया है महंगा. जब मेरे देश के अंदर सामान महंगा हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, दो चीजें होंगी, एक तो मैं करूंगा, एक बाहर के जो कंट्री के लोग हैं. एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर क्या फर्क पड़ेगा, तुम्हें तो खुद समझ आ जाएगा, टेंशन मत लो. हमारी कंट्री में जो सामान था वो हो गया है अब महंगा. तो अगर जब मैं पहले डोमेस्टिक सामान खरीदता था, अब मुझे क्या दिखाई दिया यार, डोमेस्टिक सामान तो महंगा हो गया, एंड वही सेम सामान मुझे कम प्राइस पर किसी दूसरी कंट्री से मिल पा रहा है, तो मैं इंपोर्ट्स को क्या करूंगा, इंक्रीज कर दूंगा. कि मुझे दिख रहा है कि मेरी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर, मेरी कंट्री के अंदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का प्राइस इंक्रीज हो चुका है, तो मैं कोशिश करूंगा कि बाहर से, जहां से मुझे सस्ता सामान मिल जाए, मैं वहां से मंगवा लूं अपना सामान, तो मैं इंपोर्ट्स को इंक्रीज कर दूंगा. वहीं साथ साथ जो मैं एक्सपोर्ट कर रहा था सामान, अब पहले तो मैं एज अ बायर बन के सोच रहा था. जब एक्सपोर्ट करते हैं तो एज अ सेलर बन के सोचो. अब मैं सेलर बन जाता हूँ. अब मैं पहले अपना सामान बाहर मलेशिया में बेचता था. मलेशिया का जो मेरा एक क्लाइंट था, उसने कहा, सर आपकी कंट्री में तो इन्फ्लेशन आ गया है, प्राइजेज इंक्रीज हो गए हैं आपके प्रोडक्ट के, और अब मुझे और एक्सपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे और सामान मत भेजो अपनी कंट्री से. तो मेरा क्या होगा यार, मैं जो एक्सपोर्ट करता था वो हो गया कम. तो इस इन्फ्लेशन की वजह से क्या फ़र्क पड़ा, एक्सपोर्ट तो हो गया कम एंड इम्पोर्ट हो गया ज़्यादा. ठीक है, गुड्स, सिर्फ गुड्स देखते हैं यार, पता है क्यों, मैंने यहाँ पे सर्विसेज नहीं लिखना चाहिए. रीज़न सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे BOT बोला है. हमसे इम्पैक्ट किस पर पूछा, BOT पर. एंड BOT में सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में देखा जाता है, प्रोडक्ट्स, या फिर इनको हम गुड्स बोलते हैं. प्रोडक्ट्स और गुड्स को कंसीडर करा जाता है, सर्विसेज को नहीं करा जाता बैलेंस ऑफ ट्रेड में. अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट होती तो हम सर्विसेज भी यहाँ पे लिख देते, बट बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड गुड्स को कंसीडर करा जाता है. तो डोमेस्टिक गुड्स के प्राइस इंक्रीज हो गए, जिसकी वजह से जो एक्सपोर्ट्स थे वो तो कम हो गए एंड इम्पोर्ट्स जो थे वो ज़्यादा हो गए. अब देखते हैं, चलो ये बात समझ आ गई. अब यहाँ पर बनाते हैं BOT की टेबल. सर BOT तो आपने बता दिया, मतलब ये इम्पैक्ट तो बता दिया, बट BOT पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका. BOT के अंदर डेबिट साइड पर क्या आता है एंड क्रेडिट साइड पर क्या आता है. क्रेडिट साइड इज द पॉजिटिव साइड एंड डेबिट साइड इज द नेगेटिव साइड. मतलब यहाँ पर पॉजिटिव इन द सेंस कि जब फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी हमारी इंक्रीज होगी वो क्रेडिट साइड पर आएगा, एंड जब हमारी कंट्री से फॉरेन करेंसी की वैल्यू, मतलब फॉरेन करेंसीज कम होने लग जाएंगी. जैसे मेरे पास पहले मान के चलो 100 US डॉलर्स पड़े थे मेरी कंट्री के पास, अब वो 100 से 80 हो गए, तो मतलब फॉरेन करेंसी की वैल्यू, फॉरेन करेंसी जो हमारी कंट्री में थी वो कम हो गई है, तो वो डेबिट साइड पर आएगा. और अगर फॉरेन करेंसी इंक्रीज होगी किसी चीज़ की वजह से तो वो क्रेडिट साइड पर आता है. ठीक है, अब यहाँ पर एक ध्यान से बात समझना, जो एक्सपोर्ट्स होंगे, जितने भी एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, वो क्या करेंगे, वो हमारी फॉरेन करेंसी को इंक्रीज करेंगे, तो वो क्रेडिट साइड पर आते हैं. एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स क्या करेंगे, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स
देखो जब मैं गुड्स को एक्सपोर्ट करूंगा तो बाहर से जो मलेशिया में मैं सामान बेच रहा था, मलेशिया का जो सिटीजन है वो मुझे पैसे भेजेगा। पैसे किस फॉर्म में भेजेगा? जो मलेशिया में करेंसी चलती है, तो मेरे पास फॉरेन करेंसी इंक्रीज हो जाएगी जब मैंने एक्सपोर्ट करा। एंड जब मैं इंपोर्ट करूंगा, यूएसए से इंपोर्ट करने लगा अब मैं, तो मुझे क्या पेमेंट करनी पड़ेगी? यूएसए के जो लोग हैं उनको यूएसए की डॉलर्स में ही पेमेंट करनी पड़ेगी, तो मेरी कंट्री के अंदर से जो फॉरेन करेंसी है वो कम हो जाएगी जब मैं इंपोर्ट करूंगा। एंड फॉरेन करेंसी कब इंक्रीज होगी? जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है सर, एक्सपोर्ट्स क्या हो गए हैं? इंपोर्ट्स हो गए हैं इंक्रीज एंड एक्सपोर्ट्स हो गए हैं डिक्रीज। इंपोर्ट्स इंक्रीज एंड एक्सपोर्ट्स डिक्रीज, तो इसका मतलब क्या है? डेबिट साइड विल बी ग्रेटर देन दी क्रेडिट साइड। जब ये इंक्रीज हो गई डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हो गई है कम, इसका मतलब डेबिट साइड विल बी ग्रेटर देन दी क्रेडिट साइड। एंड डेबिट साइड अगर क्रेडिट साइड से कम हो जाएगी, इसका मतलब क्या होगा कि हमारे अंदर, हमारी कंट्री के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? हमारे को डेफिसिट ऑफ बीओटी देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम बीओटी पर इंपैक्ट पड़ रहे हैं ना, तो जब डेबिट साइड बड़ी हो जाती है एंड क्रेडिट साइड छोटी हो जाती है तो उसको डेफिसिट बोलते हैं। क्योंकि देखो डेफिसिट का मतलब कि नेगेटिव आइटम ज्यादा एंड पॉजिटिव आइटम कम, तो डेबिट साइड पर क्या आ रहा था? नेगेटिव आइटम, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज कम हो रहा था। एंड यहाँ पर क्रेडिट साइड पर पॉजिटिव आइटम आ रहा था क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज हो रहा था। अब डेबिट साइड बड़ी है, इसका मतलब नेगेटिव आइटम ज्यादा है एंड पॉजिटिव आइटम कम है। यार मतलब वो अकाउंट्स के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, बट सिंपल बात ये है कि देखो डेबिट साइड पर क्या होगा, हमारी कंट्री में से फॉरेन एक्सचेंज कम हो जाएंगे एंड यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा होते हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज जो कम हो रहे हैं वो ज़्यादा हैं। मतलब नहीं, फॉरेन एक्सचेंज का जो कम होने का रेट है दैट इज ग्रेटर देन दी फॉरेन एक्सचेंज के इंक्रीज होने के रेट से। इसकी वजह से क्या होगा? हमें डेफिसिट देखने को मिलेगा। सिंपल बात यह है, देखो ज़्यादा मत समझो, सिंपल बात यह है कि अगर डेबिट साइड जो है वो क्रेडिट साइड से बड़ी होगी तो डेफिसिट होगा, अगर क्रेडिट साइड जो है वो डेबिट साइड से बड़ी होगी तो सरप्लस देखने को मिलेगा। इतनी सी बात है। तो यहाँ पर डेबिट साइड बड़ी है इसलिए डेफिसिट देखने को मिल रहा है। एंड ये वाली जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू, इसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पूरा हमने फ्लो चार्ट के थ्रू समझा इन्फ्लेशन से क्या फर्क पड़ा एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पे, वो यहाँ देखा। एंड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट जब इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो डेबिट साइड बड़ी होती है या क्रेडिट साइड, उससे हमें पता लगता है कि डेफिसिट है या सरप्लस है। अगर डेबिट साइड बड़ी है तो डेफिसिट होगा, अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो सरप्लस होगा, ठीक है ना? यहाँ पर डेबिट साइड बड़ी थी इसलिए डेफिसिट है। क्वेश्चन में भी यही बोला गया है कि हाई इन्फ्लेशन लीड्स टू डेफिसिट ऑफ बीओटी, तो इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। थैंक यू।